हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में, हार्दिक स्वागत। तो ये इसमें प्रभु जी एक वो भजन है, मानस देह गेह, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का आ सकता है इसमें? कौन आप? हाँ, तो ये वाला भजन गाएंगे। मानस देह गेहो जो किछु मोरा, मानस देह गेह जो किछु हर पीलु तुआ पदे नंद किशोरा, संपदे विपदे जीवने मराने, दाए माम गेला तुआ उपाद वराने, मारबिरा खबि जो इच्छा तोहारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकारा, जन्म विमोए इच्छा यदि तोरा, भक्त ग्रहे जनी जन्म हौ मोरा, कीत जनम हौ यथ तु वदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आशा, भुक्ति मुक्ति स्पृहावी ये भक्ता, लभैते ताक संग, लभैते ताक
संग अनुराक्ता जनक जननी दयिततनाय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमाया भक्ति विनोद कहे सुन काना राधानाथ तू आमार पराना मानस देह गे हो जो किछ मोरा अरपिल तुआ पदे नंद किशोरा जय भक्तिनोद ठाकुर महाराज की जय। तो इसका अनुवाद भी पढ़ते हैं, बहुत सुंदर अनुवाद है। वैसे तो सिंपल बंगला है, समझ आती है, फिर भी और क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। हे नंद किशोर, मैंने अपना मन शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपके श्री चरण कमलों में अर्पण कर दिया। अब मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है। हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है, आप चाहे तो अपने इस दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। यदि आप मेरा इस जगत में जन्म भी कराएं तो ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर में ही मेरा जन्म हो। बहिर्मुख होकर ब्रह्मा जैसा जन्म लेने की इच्छा नहीं है, परंतु जहां आपके प्रिय भक्त हो वहां कीट जन्म भी मुझे स्वीकार है। प्रभो, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुक्ति एवं भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्रीन चरणों में मेरा अनुरक्त रहे, मेरा मन अनुरक्त रहे। मेरे तो माता पिता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ, आप मेरे प्राण स्वरूप हैं। जाए के तो भागवतम बुक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज जो है दुर्गा सप्तमी भी है, दुर्गा पूजा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन श्लोक भी लेंगे हैं दोनों। तो श्लोक जो है वो है श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 24। अध्याय का शीर्षक है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन, और आज हम श्लोक संख्या लेंगे 18।
एक और आठ अठारह। तो ये श्लोक जो है पद में है, काफी लंबा है, तो और दुर्गा पूजा के बारे में भी थोड़ा सा बोलेंगे, तो सीधा मैं इसका जो है ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो इस तरह से है, वितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, जहां महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं और वहां आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल तीन पग पृथ्वी मांगकर महाराज बलि को छल कर तीनों लोक प्राप्त कर लिए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, वो सुंदर तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है। तथा बलि महाराज सरीखे उनके भक्तों की भी पुण्य श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, यहां तक कि अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया। सर्वात्म निवेदने बलि ही, है ना। भगवान ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए और बलि महाराज ने जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ दे डाला। फिर भी वे दरिद्र नहीं हुए, वे श्री भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके सफल भक्त बन गए और भगवान के आशीष से उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान देते हैं, वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ वापस मिल जाएगा। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के लिए धन संग्रह करते हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च ना करें। जय श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विश्वदाय कृष्ण जय भूतल श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद से साहित्य प्रकाश प्रचार कृतवान साधु भागवत पादाय। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है बलि महाराज का है। बलि महाराज ने वामन देव को सब कुछ दे दिया है। एक बार की बात है कि तीन देशों के भक्त इकट्ठे हुए, तो अमेरिका वाले जो थे भक्त वो कहते हैं हम जो है भक्त क्या मतलब व्यक्ति थे बाहर के, कहते हैं कि हमारा दान देने का तरीका जो है एक सिंपल है। क्या करते हैं हम लोग, एक गोला बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं और फिर हम जो पैसे हैं वो हम लोग फेंकते हैं। तो जो पैसे जो हैं वो गोले के अंदर गिरते हैं वो तो भगवान के, और जो गोले के बाहर गिरते हैं वो हमारे, उससे हम गुजारा करते हैं। ये दान देने का तरीका उनका। बलि महाराज ने भी दान दिया, इनका तरीका ये है। तो जो दूसरे देश के अंग्रेज यूरोपियन वो कहते हैं कि हमारा भी तरीका इस तरह से है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ, गोला हम भी डालते हैं, पैसे हम भी फेंकते हैं, लेकिन जो बाहर गिरते हैं वो जो है हम रखते हैं, जो अंदर गिरते हैं वो भगवान को देते हैं। उल्टा मतलब। अब भारतीय का टर्न आई, भारतीय कहते हैं कि हम भी इस तरह का कुछ करते हैं, नहीं गोला वोला नहीं फेंकते हम, भगवान हमारे ऊपर रहते हैं तो हम भगवान को फेंक देते हैं पैसे, दो जो तो ऊपर रह जाते हैं वो तो भगवान के, बाकी सब हमारे हो जाते हैं ना। बड़े चलाक है ना वो, लेकिन ये चलाकी नहीं है, भगवान को ना देने में आपका नुकसान है बहुत बड़ा। जो लोग समझते हैं कि हमने आए साधु आए और हमने टरका दिया उनको, कितने मजे से देखो हमने उनको दिए ही नहीं पैसे, है ना, टरका दिया, टैक्टफुली टरका दिया, वो बुद्धू है, वो मूर्ख है ना। यहाँ देखो बलि महाराज को देखो, उनके गुरु कितना मना कर रहे हैं उनको, है भैया तुम पहचान नहीं रहे, ये जो है ये विष्णु है, इसको छोड़ रहे हो, छोटा सा बालक है, तीन पग भूमि में सब कुछ ले लेगा तेरे से, पहले ही बता दिया, इसके पगों को छोटा मोटा मत समझ, ये विष्णु है, तू दे भी नहीं पाएगा, तीन पग भी नहीं दे पाएगा तू। तो उन्होंने क्या मान ली गुरु जी की बात, नहीं मानी। उन्हें कहा कि अगर भगवान आए हैं लेने के लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, क्योंकि इतिहास में उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने दिया है। लेने वालों को कभी नाम सुने आपने, इतना लिया उन्होंने, इतना लिया, कहीं है वर्णन कि नाम उनका पढ़ा जाता है। जो समाज को देता है, भगवान को देता है, उसी का नाम लिया जाता है, है ना। इतिहास में देखो वो याद करते हैं बलि महाराज ददीची ददीची मुनि थे, अपना शरीर ही दे दिया, और तो और जब शरीर लेने आए देवता लोग के वज्र बनाएंगे और वृत्रासुर का हमें नाश करना है, आपके वज्र की हमें जरूरत है, आपके शरीर की हड्डियों की, इतनी ताकतवर हैं, तपस्या से इतनी ताकतवर हो गई हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं ये बात कि भगवान को वो देने में कभी भी नुकसान नहीं होता, लेकिन यही भगवान की माया है। हम सोचते हैं कि हमारे पास जब चीजें रहेंगी तो हम सुखी रहेंगे, जितना हमारे पास ज्यादा होगा
एक कोठी है तो हम सुखी हैं, अगर दो कोठियां हो जाएंगी तो और सुखी हो जाएंगे, चार हो जाएंगी तो और सुखी हो जाएंगे, है ना। हमारे घर है उसमें एक कमरा है तो हम सुखी हैं, दो कमरे हो जाएंगे तो और सुखी हो जाएंगे, चार हो जाएंगे तो और सुखी हो जाएंगे, और अगर 150 कमरे हो जाएंगे तो फिर तो वो पूछो ही मत, है नहीं। फिर क्या करेंगे हम, रात को एक घंटा एक कमरे में सोएंगे, दूसरा घंटा दूसरे, छह कमरे हैं तो छह घंटे अलग अलग कमरों में सोएंगे, 150 है तो एक एक मिनट ही सोएंगे एक कमरे में, कितना मजा आएगा नींद का, मजा आएगा ना अलग अलग कमरों में। आप तो एक ही खाट पे सो जाते हो सारी रात, छह घंटे पड़े रहते हो वहां पे, तो मजा है क्या इसमें, है प्रभु जी। बड़ा घर होना चाहिए ना ताकि एक कमरे में सो फिर सो फिर सो। नहीं, इसे कुछ नहीं है इसमें, ये बेकार का हमारा धोखा है। चीजों के होने से कुछ नहीं होता, खुशी आपको मिलेगी देने से, देने से खुशी मिलेगी। तो इसलिए जब मौका मिले दान का देना चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए। हम सोचते नहीं नहीं क्या होगा हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे कितने उदाहरण है, एक उदाहरण है, हजारों हजारों उदाहरण है कि जिन्होंने भगवान को दिया उनको कभी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्णा बुक में, जब वो स्टोरी आती है जो फल वाली को है ना, फल वाली ने सारे फल दे दिए भगवान को, है ना, तो उसकी जो टोकरी है वो हीरे जवाहरातों से भर गई। तो प्रभुपाद जी वहां एक लाइन लिख रहे हैं यही बात, भगवान को देने में कभी भी नुकसान नहीं होता बल्कि लाखों गुना लाभ होता है, लाखों गुना लाभ होता है। और जब हमें मौका मिले सब कुछ अगर भगवान ले तो इससे अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की यही है कि जब सब कुछ हरण कर लेते हैं, है ना। भागवत में आया ना, यस्याम अनुग्रहामि, जब कुरुक्षेत्र के है अनुग्रहामि, हाँ हरि हरि हरण लेता हूं उसका धन, धीरे धीरे उसका सारा धन हर लेता हूं। यस, ये जो है कुरुक्षेत्र में जब गए हैं सारे ये द्वारकावासी, तो उसमें ये बात बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। ये श्लोक हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में पे लिख रहे हैं, दसवां स्कंद 88वां अध्याय, 88 चैप्टर और 8 श्लोक, 10:88:8, बहुत सुंदर श्लोक है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फिर जब जैसे बलि महाराज को सब कुछ ले लिया, लेकिन सब कुछ दे दिया, बहुत सुंदर कथा है कैसे जो है जब बावन देव जाते हैं और बलि महाराज से मांगते हैं, तो बलि महाराज तो राजा है तो कहते हैं सिर्फ मुझे तीन पग दे दो, बस सिर्फ तीन पग भूमि चाहिए मुझे, यज्ञ कर रहे होते हैं दान के लिए आया बटुक है वामन छोटे से। तो राजा बड़ा हैरान होता है कि मेरे पास आया है तीन पग भूमि मांग रहा है सिर्फ, अभी एक बार मांग लो ना, तू राजा के पास आया तो मांग लो। तो कहते नहीं, सेटिस्फाइड रहना चाहिए व्यक्ति को, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, है ना। नारद मुनि जी भी कह रहे हैं प्रचेतास को, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, जैसे तैसे करके संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को, ये बहुत बड़ा गुण है। सब जीवों पे दया करो और संतुष्टया येन केन वा, तो वही भावना वो जो है वामन देव जी प्रकट कर रहे हैं कि व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो जितना भी मिल जाए कोई एंड ही नहीं है। हिरण्यकशिपु को क्या नहीं था, हिरण्यकशिपु के पास वो संतुष्टि नहीं था, तो इसीलिए वहां पे बहुत सुंदर जो वामन देव जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को जो है संतुष्ट रहना चाहिए। तो मैं तो तीन पगों में ही संतुष्ट हुआ, मुझे तीन पग ही दे दो बस, वो तीन पगों में वो आपको पता ही है सब कुछ नाप लेते हैं, सब तीन का दो पगों में ही सब कुछ नाप लेते हैं,
तीसरा पग तो रखने की जगह ही नहीं है, आप क्या करें। तो कहते हैं तो तुम तो अब अपने वचन से गिर गए, अब तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। गरुड़ जी आते हैं, बंदी बना लेते हैं, बांध लेते हैं उसको, बंदी बना लेते हैं। तो फिर बलि महाराज कहते हैं ठीक है, मैंने सारा धन दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं तो अलग हूं ना, मैं तो अलग हूं, तो आप मेरे सिर पे पैर रखिए, अपना पैर जो है तीसरा वो मेरे सिर पे रखिए। और भगवान जब उनके सिर पे पैर रखते हैं तो यहीं पहुंचा देते हैं उसको, दबाते दबाते यहीं पहुंच जाते हैं, सुतल में ही पहुंच जाते हैं, इतना दबाते हैं ऐसे, वो तो पहुंच जाते हैं, सब कुछ उससे विरक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान जो है मिल जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब कुछ ले लेते हैं भगवान, लेकिन फिर क्या करते हैं, खुद को अपने को दे देते हैं, शाबाश, अपने आप को दे देते हैं, है ना। ऐसे जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे में जो हमारे सेठी साहब थे, आप तो उनसे बहुत अच्छी तरह से मिले हो, हमने तो सुना है उनके बारे में, एक बार देखा भी है, दिल्ली भी आए थे वो, लेकिन हाँ आए थे, देखा था, बट आप लोग तो उनसे मिले हो ना, बात की है, उनका अपने पर्सनैलिटी देखी है, आप तो ज्यादा जानते हो, लेकिन उनके बारे में हमें सुना है कि वो बहुत ज्यादा सहयोग करते थे प्रभुपाद जी का। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लोग आते थे और रहने की जगह नहीं थी भक्तों के लिए, और वो लगे हुए हैं, ऐसे ही प्रभुपाद जी सुबह जो है क्लास दे रहे हैं तो आए तो देखा कि सारे उनके कपड़े जो हैं वो भरे हुए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन देख रहे थे भक्तों के लिए, वो बना रहे थे घर, भक्तों के रहने की जगह ही नहीं थी कुछ, बहुत संघर्ष किया है बॉम्बे में जो उस समय मंदिर बना है, उस समय जो भक्त थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो पीसी सेठी जी भी साथ में उन संघर्ष कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने जब उनको देखा तो क्या कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम भक्तों के लिए यहाँ घर बना रहे हो ना, तुम्हारा वहां भगवान के धाम में घर तैयार हो चुका है, प्रभुपाद जी ने कहा ये बात, है ना। तो इस बात को हमें समझना है कि जो भगवान के इस आंदोलन में जो सहायता करते हैं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। और प्रभुपाद जी एक बात और पॉइंट भी बता रहे हैं, जो हम लेके आते हैं उनका धन, तो हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो अच्छा है कि हम हनुमान की तरह लक्ष्मी लेके आ रहे हैं भगवान राम की सेवा में, कार्य तो अच्छा है, लेकिन उसमें डेंजर भी है। डेंजर क्या है कि अगर हमने थोड़ा सा एक पाई भी इधर से उधर कर दी तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, है ना। दशमें स्कंद में आती है ना कथा राजा नरक की, सुनिए, है ना। वो बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं था, खुद उसके तो पता भी नहीं था, अनजाने में हो गया था उससे, रोज रोज हजारों हजारों गायें दान देता था ब्राह्मणों को रोज, और एक बार एक गाय जो दान दी थी वो वापस आ गई गौशाला में, उसको उसको अपनी गौशाला से बहुत प्यार था, वो वापस आ गई, आसक्त थी वो, आसक्ति में वापस आ गई, वो वापस आ गई तो उसका तो नित्य कर्म था, उसने दोबारा फिर वो गाय दान में दे दी, उसमें वो वाली गाय भी चली गई। तो एक गाय और दान दो, ये कैसे हो सकता है, दो ब्राह्मणों को एक गाय कैसे दे सकते हो। तो दूसरा ब्राह्मण आया, कहते मेरी गाय है। तो जब राजा को पता लगा तो राजा ने कहा अब ऐसा करो, आपको इसके बदले में 1000 गाय और दे देता हूं, 1000 नहीं, मुझे वही गाय चाहिए, मेरी संपत्ति है, वो मेरी संपत्ति है, आप कैसे उसको दे सकते हो। अब राजा क्या करता, तो राजा को इसी कारण से छिपकली बनना पड़ा। ऑफ कोर्स भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने स्पर्श किया, वो कृपा है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा दंड मिलता है जब थोड़ा सा एक पाई, तभी तो प्रभुपाद जी एक पाई कह रहे हैं, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि अगर थोड़े से पैसे अगर आपने किए, प्रभुपाद जी इतना हैवी कह रहे हैं, उन्होंने चाहिए कि उसमें से भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च ना करें। तो प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से समझाते थे, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी सिर्फ लिख रहे हैं, है ना। आपको याद है जब प्रभुपाद जी ने बॉम्बे से चेक भेजना था एक वृंदावन, सुना होगा आपने, याद है आपको ये वाला,
इंसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो अगर मैं चेक तुम्हें दूं तो बुनाने कहां जाओगे तुम चेक एंड कैश करने? तो कहते हैं रिक्शा पे जाना पड़ेगा, वहां लोही बाजार में बैंक है, वहां तब ऐसे नहीं थे, बैंक बिल्कुल मंदिर के साथ है। उन दिनों में तो जो हमारा मंदिर है वो बिल्कुल एक तरह से जंगल में ही था, वो सारा बाजार तो उधर ही होता था। कहते वो वहां जाना पड़ेगा, बांके बिहारी के पास जाना पड़ेगा इसको भुनाने के लिए, और जो 50 पैसे जो है वो लगेंगे रिक्शा पे, रिक्शा वाला 50 पैसे लेगा। अच्छा, और अगर मैं बाय पोस्ट भेज दूं इसको है? तो कुछ नहीं, जो स्टैंप लगेगी और बाय पोस्ट तो पहुंच जाएगा चेक। टोपा जी ने दे के ना चेक काट के उसके हाथ में चला गया था, वापस ले लिया, बाय पोस्ट भेजूंगा। क्यों? क्योंकि 35 पैसे या 40 पैसे जो है बच जाएंगे, स्टैंप का खर्चा आएगा। कितना सेव करते थे, कितना सेव करते थे भगवान के पैसे को। किताबें लिखने के लिए खुद जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। ये तो आदमी सोचे जान है जहान है भैया, ब्रेकफास्ट करूंगा तो कुछ किताबें कुछ कागज खरीदूंगा है, जान है जहान है। नहीं, कहावत नहीं, जान है जहान है। प्रभु जी भक्ति कैसे करेंगे, सेहत ही नहीं होगी तो? आप क्या कह रहे हो? चैवन प्राश लाओ हमारे लिए, गोल्ड वाला। नहीं, गोल्ड वाला नहीं लाना चाहिए। और प्रभु जी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि किताबें लिखेंगी उसको। वो कितनी साल की उम्र में? लगभग 65 साल, 60 से तो ऊपर ही थे, इतनी उम्र हो गई है। वो तो नहीं सोच रहे पहले मैं च्यवनप्राश खा के पहले तो मैं सेहत बनाऊं अपनी, फिर अमेरिका जाना है मैंने, थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए अमेरिका में, इतनी ठंड है। और हम कितने देखो स्मार्ट हैं, हम कहते हैं जान है जहान है प्रभु जी, ये सब प्रैक्टिकल बातें क्या करो। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए हमारी, मेडिक्लेम होना चाहिए हमारा। नहीं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस होगी तो जब हम मरेंगे तो पैसा काम आएगा हमारे। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि आपकी लाइफ इंश्योर्ड हो गई, मतलब जब भी आप मरोगे पैसे से आपको बचा लिया जाएगा, यही मतलब है क्या? मुझे समझ नहीं आती लाइफ इंश्योरेंस का नाम लाइफ इंश्योरेंस क्यों रखा हुआ है, कोई समझा सकता है? तो लाइफ कैसे इंश्योर्ड होगी उनके लिए? वो तो चला गया, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस गई थी वो तो चला गया, उसको क्या फायदा हुआ? बल्कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जिनकी लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा होती है तो उनको उनके उनकी जान के लोग उनकी जान को खतरा हो जाता है। जिनके लिए पैसा जिनको मिलना होता है ना, वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मरे यार पैसा मिले इसके। हाँ, मैंने ऐसे सुना है, पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा भी है ऐसे, कॉन्स्पिरेसी है उसकी। क्या लाइफ इंश्योरेंस हुई आपकी? तो लाइफ इंश्योरेंस तो ये है ना कि हम भगवान की सेवा भगवान की भक्ति में सब कुछ दे दें, ये बलि महाराज की लाइफ इंश्योरेंस है, ये है लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, वो हमें पता है प्रभु जी, जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनो। आप क्या समझते हो हमें पता नहीं है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? हाँ, तो प्रभु जी आप सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं आप सुनो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारी सबकी लाइफ डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, ये मिसिंग है। वो नॉलेज लो ना, ये नॉलेज तो मिल रही है बाहर, हमने भी ली है। मैंने MBBS किया है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, रामजा स्कूल से सारी शिक्षा लिया है। ये वाली शिक्षा नहीं मिलती ना, वो हम देना चाह रहे हैं, आप भी लो थोड़ी बहुत, आप आए हो, आप भाग्यशाली हो। वो शिक्षा ये है कि भगवान है सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान के ऊपर आश्रित है आप भी, जो कमाने वाला है वो भी भगवान पे आश्रित है, और जो जिनके लिए वो कमा रहा है वो भी भगवान पे आश्रित है। ये पॉइंट समझना है ना, ये मिसिंग है, ये कोई बताता ही नहीं है। मैं हूं कमाने वाला, मैं, यही तो मुसीबत है सारी, यही पे तो सारी बीमारी है ना। इतना ही सारा था सीन, तो फिर कोरोना में सारा लॉकडाउन क्यों कर दिया?
संभाल लो कोरोना को। एक छोटा सा बंदा, छोटा सा जीव जिसका भूत की तरह उसका कोई शरीर भी नहीं है और किसी के भी घुस जाता था, वो पकड़ भी नहीं सकते आप उसको, पकड़ लो ना। फिर इतना ही आपको है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो कोरोना को तो पकड़ नहीं पाए। और फिर वैक्सीन तैयार की, वैक्सीन तैयार करने के बाद कहा आप सब लोग वैक्सीन लगाओ, लेकिन तीन चीजों का फिर भी ध्यान रखो, मास्क लगाए रखो, है हाथ धोते रहो, धोते रहो जब तक हड्डियां ना नजर आ जाए, है और फिर किसी से मिलना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, दूर दूर रहो, किसी से मिलना नहीं है। और फिर वैक्सीन क्यों लगवाई भाई, वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है? लेकिन लगवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो बास लगा रहे हैं बुद्धू। जब तक हम भागवतम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक इस पे विश्वास नहीं करेंगे प्रभु जी, तो जो जीवन है हमारा मूर्खों की तरह, पागलों की तरह बीतेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। जैसे एक व्यक्ति पागल खाने में गया है, तो देखा वहां पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गले में फंदा लगा के और ऊपर पंखा है उसमें लटकने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है लैला 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 लैला। तो डॉक्टर से पूछा भाई क्या हो गया, क्या कर रहा है? डॉक्टर ने कहा इसको एक लड़की से प्यार था, उसका नाम था लैला, तो उसने क्या किया, उसने दूसरे से शादी कर ली, तब से पागल हो गया ये, शादी नहीं की इससे, शादी करना चाहता था उससे। उसने कहा अच्छा, थोड़ा सा आगे गया तो एक दूसरा व्यक्ति भी वही कर रहा है, सेम सेम सीन, व्यक्ति दूसरा है लेकिन सीन सेम है, लैला लैला लैला, गले में फंदा डाला। तो उसने कहा अभी ये क्या है उसका, तो इसका क्या सीन है? कहते हैं ये व्यक्ति वो है जिससे शादी की लैला ने, समझे पॉइंट? ये पॉइंट, ये संसार का पॉइंट बता रहा हूं, ये संसार है, ये है संसार। हम समझते नहीं है, हम समझते हैं बहुत समझदार है, समझदार बनना है भागवतम पढ़ो, इसीलिए पता लगेगा इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस है मानस देह गेह जो किचु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, ये है इंश्योरेंस, ये करो ना, ये सब इंश्योर्ड है, सब जो यहां बैठे हुए हैं सब इंश्योर्ड है, ये है असली इंश्योरेंस। उसकी इंश्योरेंस क्या है, मुसीबत में फंस जाओगे। आप कह रहे हो अपने आश्रितों के लिए हमने पैसा धन जमा कर दिया, वही गोली मार के पैसा ले लेंगे। एक पति था, उसने 1 करोड़ रुपया जो है अपनी पत्नी के लिए रखा, 1 करोड़ रुपया। तो पत्नी ने उसका मर्डर करवा दिया और 1 करोड़ रुपए में 4 पति ले लिए उसने, नहीं मिलते, क्या करेगी एक पति का, 1 करोड़ रुपया ज्यादा अच्छा। प्रभु जी आप बुरा नहीं मानना, ये रियलिटी है। हाँ जी, हाँ फिर हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भागवतम का आश्रय लो, कोई नहीं जाता, फिर सब यहीं रह जाएगा। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें आश्रय लेना है भगवान का। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी पास नहीं होगा, सब यहीं रह जाना है। और हम पता नहीं क्या क्या नहीं करते इन चीजों के लिए। हमें ये जीवन मिला है और प्रभुपाद जी के आश्रय मिला है, क्या चाहिए और क्या चाहिए, इतनी बड़ी बात। ऐसे महान संत का हमें आश्रय मिला है, क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने, क्या कुछ अरेंजमेंट नहीं करके गए प्रभुपाद जी, कुछ नहीं करना हमें, सब अरेंजमेंट करके गए हैं प्रभुपाद जी। कितने देखो सुंदर डेटी वर्शिप डेटीज दे के गए हैं, मंदिर दे के गए हैं,
प्रोसेस देके गए, सब कुछ तो देके गए हैं प्रभुपाद जी, लेकिन हम फिर उन्हीं उन्हीं की तरफ आकर्षित हो जाएं, बेकार की चीजों की तरफ, तो फिर हमारा दुर्भाग्य है ना, क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये तो मेटेरियलिस्टिक लोग सोचते हैं। तो इसीलिए जो भी धन हमें मिले उससे में से एक पाई भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये हमारा होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि सेवा करनी है हमें, सेवा ही सौभाग्य है। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो फिर माया की सेवा में लगेंगे, और क्या, सिंपल है। तो और ये जो आठवें स्कंद में हम पढ़ेंगे, बलि महाराज की कथा पढ़नी चाहिए, आप लोगों को मौका लगे तो पढ़ो, बहुत सुंदर कथा है जिसमें बता रहे हैं कि कैसे हमें, है ना, महामंत्र प्रभु एक्सपर्ट है ना, ऐसे बलि महाराज के लोगों जैसे लोगों के पास जाते हैं बटुक बन के, है ना, लाखों रुपया वो ले आते हैं महामंत्र प्रभु, ऐसे बलि महाराज तीन पग बांध रहे हैं और सारा ले लिया। तो हमें तरीका आना चाहिए कैसे हम जाएं उन लोगों के पास और कैसे जो है उनसे हम ह्यूमिलिटी से, है ना, हम्बल है ना ये, और उनके बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बलि महाराज आपका तो वंशज कहां से आ रहा है, देखो प्रहलाद महाराज के वंश में आ रहे हो, विलोचन आपके पिता हैं, वो तारीफ कर रहे हैं उनकी, ऐसी हमारे वो नहीं है। आज हनुमान प्रभु भी ऐसी है, जब जाते हैं वो किसी व्यक्ति के पास तो बिल्कुल उसको आसमान सातवें आसमान के ऊपर चढ़ा के खड़ा कर देते हैं पहले, तो कि उस जैसा बंदा है ही नहीं संसार में, और फिर बोलते हैं कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो हमारे साथ, हमारे साथ बोलो हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी कहते हैं वो करते हैं। तो इसी तरह से ये वामन देव की जो लीला है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि कैसे हमें अगर किसी के पास जाए तो हमें मांगना भी कैसे चाहिए, परफेक्ट तरीके से मांगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये जो वामन लीला है, वामन देव की बहुत ही सुंदर लीला है, आठवें स्कंद में बहुत अच्छी तरह से इसका हुआ है, कैसे इंद्र के लिए उन्होंने, राजा इंद्र के लिए गए बलि महाराज के पास और सारा उनसे राजे मांग लिया और उसको इंद्र को दे दिया, सब कुछ उनको दे दिया, लेकिन कैसे जो है वो बता रहे हैं कि बलि महाराज को पूरे कन्विंस्ड थे। इसी तरह से हमें भी जो है कोई व्यक्ति जो है चाहे कितना भी ऑथराइज्ड है, चाहे हमारे जैसे कुल गुरु थे ना इनके, ये जो शुक्राचार्य हैं कुल गुरु हैं, उनको रोक रहे हैं उनको, उनको अपना है, उनको लग रहा है कि ये मेरे को कहां से मिले, सारा कुछ दे देगा तो मेरी दक्षिणा का क्या होगा, वो यही सोच रहे हैं कि मुझे जो मिलता है पैसा, मैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, वो कहां से, मैं क्या करूंगा। तो इसलिए हमें भी भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, मेटेरियलिस्टिक लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने से कोई फायदा नहीं है, है ना, वो क्या दे सकते हैं आपको, क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते, और भगवान कुछ भी दे सकते हैं ना। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति तो अपने में से कुछ दे सकते हैं ना, मान लो कोई लाख रुपया कमाता है, आपने उसकी नौकरी की तो लाख रुपए से आपको कुछ दे देगा ना, आप जाओ उसके पास, ऐसा है प्रभु जी मैंने आपकी बहुत दिल जान से सेवा की है, आप ऐसा करो 10 लाख रुपया दे दो मुझे, वो कहेगा 1 लाख रुपया मैं कमाता हूँ, 10 लाख कहां से दे दूं तुम्हें भैया, मांगने से पहले सोचा है भगवान के सामने, क्या कुछ भी मांग लो भगवान से, भगवान को 10 करोड़ दे दो, भगवान कहेंगे ले जा, दूसरा है भगवान जी 10 अरब दे दो, ले जा, उनके कोई लिमिट थोड़ा है वहां पे कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ले लो कुछ भी ले लो। तो इसलिए क्या फायदा ऐसे लोगों का आश्रय लेने का, क्या फायदा जो लिमिटेड है। आश्रय हमें लेना है जैसे बलि महाराज ने लिया है भगवान का पूर्ण रूप से, और अगर भगवान मांग रहे हैं वामन के रूप में मांग रहे हैं तो देने में क्या है, देना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, आप सब लोगों का अनुभव होगा कि जब हमने दिया है तो हमें कभी भी नुकसान नहीं हुआ, भगवान को भगवान की सेवा के लिए जब भी दिया है, सर्वस्य तोमार संपिया पोड़ोची तोमार घरे,
है ना, सर्वस्य तोमार चरणे संपिया पोड़ोछि तोमार घरे। आमी तो कुकुर, आमी तोमार कुकुर, तुमी तो ठाकुर। तो इसी तरह से हमें भी भगवान के पूर्ण रूप से आश्रय ले लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल। इन चीजों के प्रति कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए ये प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल तो यही है, प्रैक्टिकल तो यही है कि हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण लें, बाकी सब इम्प्रैक्टिकल है। तो अभी मैं बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं हमारे बीच में और भी वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, महामंत्र प्रभु हैं, मोहन रूपा प्रभु हैं, दीन नायक प्रभु हैं, पीछे ब्रजेंद्र नंदन प्रभु जी हैं, हाँ दुर्गाष्टमी, यस थैंक यू प्रभु जी, मैं भूल गया था, थैंक यू याद दिला दिया आपने, थैंक यू। दुर्गा सप्तमी, दुर्गा पूजा है, दुर्गा सप्तमी मतलब तो सातवां दिन है, आज पूजा करते हैं। तो दुर्गा जो है वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषाम तमहं भजामि। ये है स्थिति दुर्गा की। दुर्गा की स्थिति क्या है कि वो छाया है, किसकी, गोविंद की छाया है वो, और उनकी इच्छा के बिना वो कोई चेष्टाएं नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ये बात को हमें समझना है कि दुर्गा जो है वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर कुछ भी करने के लिए। इस तरह से जब हम भगवान दुर्गा की स्तुति करेंगे, इस तरह से जब हम दुर्गा के साथ संबंध रखेंगे, तो वो संबंध जो है वो है जायज, जायज संबंध है। और दुर्गा को हम अलग कर लेंगे भगवान से तो वो नाजायज संबंध है आपका, वो त्रुटिपूर्ण है, वो उसमें आप मुसीबतों में ही पड़े रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आपको समझ नहीं आएगा क्यों, क्योंकि आपने ये चीज को नहीं समझा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्गा का संबंध है भगवान के साथ सेविका के रूप में, वो सेविका है, नौकरानी है, नौकरानी भगवान की क्या है, एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या। तो दुर्गा भी जो है भगवान की सेविका है, उनकी सेवा के लिए वो कुछ भी करती है, ये उसकी बड़ा थैंकलेस जॉब है कि ये दुर्ग, दुर्ग ये जो दुर्ग बना हुआ है, हैं भौतिक मैथुना आगार, उसकी उसको वो जेलर है, एक तरह से जेलर बनी हुई है, उसको जाने नहीं देती, दुर्ग से जाने नहीं देती जीवों को, अपनी तीन गुणी त्रिगुणी माया जो है तमोगुण रजोगुण सतोगुण से पकड़े रखती है उनको, यही उसका जॉब है, ये थैंकलेस जॉब है, लेकिन भगवान के लिए करती है वो। तो आज जो है कई लोग हैं जो दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि दुर्गा जो है वो भगवान की सेविका है और भगवान की ही इच्छा से सारे कार्य वो करती है, चाहे वो सृष्टि करे, चाहे वो उसको पालन करे या उसका संहार करे, उसकी सारी जो चेष्टाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर होती हैं। तो आज दुर्गा सप्तमी है, कल दुर्गा अष्टमी है ना, तो कई लोगों ने जिन्होंने नवरात्रे रखे हैं वो कल जो है उसको पूजेंगे। तो लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो इस तरह के व्रत नहीं रखते, नवरात्रे नहीं रखते, है ना, हम लोग तो सीधा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उन्हीं से संबंधित व्रत हम रखते हैं, एकादशी रखते हैं, जन्माष्टमी रखते हैं, रामनामी रखते हैं, इस तरह के जो व्रत जो उनके अनुरूप हैं, और वो व्रतों में सारे व्रत आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है
तो नवरात्रे उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं, एकादशी जी व्रत में सब व्रत इंक्लूडेड है। हाँ प्रभु जी दीने नायक प्रभु माइक दो दीन नायक प्रभु जी को। ये रहा कैसे ऑन करते हैं वो इधर ऊपर से ऊपर से ऊपर से ना आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप सब लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी के माध्यम से भी बहुत अच्छा समझाए और सब लोग एकदम खिलखिला के हंसे भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सिद्धांत भी समझाया आपने। तो जैसे कि आज दुर्गा पूजा है तो आपने बताया भी, तो दुर्ग का मतलब ही होता है कठिन। तो ये संसार बहुत कठिन है। जो लोग कृष्ण को भूलना चाहते हैं तो भगवान की माया शक्ति जो त्रिविध शक्ति है, तीन शक्तियों में से दुर्गा जी एक्सटर्नल पोटेंसी बहिरंगा शक्ति, तो जो भगवान से बाहर रहना चाहते हैं अलग रहना चाहते हैं तो ये संसार जो है ये जेल खाना है, तो इसको दुर्गा जी कठिन बनाती हैं। और तो और छोड़िए, इस संसार के भगवान को भूल करके कृष्ण भूलिया जीव वो दुर्गा को भी भोगना चाहते हैं कभी कभी। महिषासुर जैसे लोग भगवान की शक्ति को भोगना चाहते हैं बिना भगवान के परमिशन के, यहां तक कि सीता मैया को भी रावण उठा के लेके गया, भोगना चाहता है। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तो ये कृष्ण को भूल करके भोग करने की इच्छा ही जो है ये संसार ये जेल बनाना, सरकार का कहना न मानना ही जो है वो जेल, तब जेल बनती है। तो जो है त्रिताप, जो तीन ताप हैं उन तीनों तापों से वो त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब तीन कष्ट, इन कष्टों से फिर दुर्गा जी क्या करती हैं, दंड देती हैं। लेकिन वही जो जीव जो है भगवान का भजन करना चाहते हैं, इस दुख से दुखी होकर के हम दुखी क्यों हैं, जिसके मन में आता है कि मैं उसको सच्ची चीज पाऊं, तो फिर उनको इस्कॉन के भक्तों से भी मिला देते हैं, है नहीं? सारे सब हम सब लोग दुर्गा पूजा करते थे, तो यदि दुर्गा पूजा करनी भी है, वो व्रत करना भी है, तो जैसे कात्यायनी व्रत, क्योंकि दुर्गा के नौ रूपों में हम लोग भगवत भक्त जो है वो नवधा भक्ति भी देख लेते हैं हर दिन नौ रूपों में, वो इस प्रकार से दुर्गा जी की, जैसे गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, तो अगर दुर्गा जी का व्रत रखना है तो इस संसार से पार होने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है और भगवान हमारे असली में पति बने। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि हमें अपने आचार्यों को उनके चरणों पे चलना चाहिए। तो ना तो प्रभुपाद जी ने कभी नवरात्रे रखे, ना हमारे गुरु महाराज नवरात्रे रखते हैं, ना ही हमें अपने परंपरा में देखने के कहीं आ रहे हैं कि नवरात्रे रखे हुए उन्होंने। ये तो देखते हैं चतुर्मास्या रखा उन्होंने, एकादशी व्रत रखा, और तरह तरह के व्रत हम देखते हैं कठिन, लेकिन कहीं ये नहीं हमने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा कि कहीं नवरात्रे रखे किसी आचार्य रखे। तो इसीलिए हमें भी जो श्रील प्रभुपाद जी ने सीधा सच्चा रास्ता दिया उधर जाना चाहिए, क्यों हम कंफ्यूज हों। गोपियों की स्थिति अलग है, गोपियों से थोड़ा हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही बात है। तो ये जो नामकरण किया तो भगवान ने खुद किया था, दशम स्कंद जब लीला आती है संकर्षण की, देवकी गर्भ में सातवा गर्भ आए तो भगवान ने योगमाया को बुलाया है कि तुम मेरा एक काम करोगे तो लोग तुम्हें जो है लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और कुछ उनकी इच्छाएं पूरी भी करोगे। तो एक पावर भगवान कृष्ण ने दिया है, राइट। अब कुल 14 नाम गिनाए थे, जैसे दुर्गा काली भद्रकाली वैष्णवी, इन नामकरण भगवान ने उसी योगमाया किया था। तो योग माया यहाँ पे अपना प्रभाव है, लेकिन इस योग माया से कैसे बचा जाए वो गीता भगवान ने बता दिया कि मेरी जो माया है ये बड़ी दुष्टर है, लेकिन जो मेरा नाम लेता है वो उसी से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान की माया है, लेकिन भगवान की माया से कैसे छुटकारा पाए भगवान ने खुद बता दिया।
टेक्निक दे दिया, अब हम ना अपनाते हमारी कमी है ना। तो प्रभुपाद जी इसीलिए हमारी इस्कॉन में ये जो नौ दिन का नवरात्र होता है, वास्तव में जितने नवरात्र का व्रत रखते हैं उनसे अगर आप पूछें कि आप व्रत किस लेते हैं, क्योंकि इस समय न कोई मांस खा रहा है, न अंडा खा रहा है, न दारू पी रहा है, यहाँ तक लहसुन प्याज भी लोग बंद कर देते हैं नौ दिन तक, लेकिन जब दसवां दिन आएगा तो सब खाना शुरू कर देंगे। हाँ जी, तो ये नौ, तो वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है हर दिन अपने आप को पवित्र रखता है। अगर आप दुर्गा भी प्रसन्न करना चाहते हो तो इसका मतलब कि दुर्गा भी नहीं पसंद करती तुम्हें लोग खाओ, तो तुम लोग जबरदस्ती खा रहे हो, है नहीं? अगर तुम्हें दुर्गा से इतनी भक्ति है तो कब छोड़ दिया है? इसका मतलब कि दुर्गा जी चाहती है कि तुम्हें मत खाओ, है नहीं? तभी तो व्रत रखे हो। तो ये व्रत हर दिन देवी को प्रसन्न रखो ना, एक नवे दिन को प्रसन्न रखना है, ये समझना चाहिए, है ना? तो एक कौन समझाएगा? एक सब वैष्णव ही समझा सकता है कि वास्तव में सच्चाई तो है। तो नौ दिन की भक्ति बरसाती मेढक की भक्ति नहीं चलती है ना, आपको हर दिन भगवान को और दुर्गा देवी को प्रसन्न रखना है। तब ये जो व्रत रखा है हर दिन व्रत रखा है, हम लोग तो हर दिन ये व्रत रखते हैं, जो लोग छोड़ करके आज नौ दिन की भक्ति कर रहे हैं ये तो हम लोग हर दिन ऐसा करते हैं। तो हर दिन हमें देवी को प्रसन्न रखना चाहिए, हर देवी और कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि देवी तभी प्रसन्न होगी जब आप इस तरह से व्रत हर दिन रखेंगे, तब देवी कृपा प्राप्त होगी कि वो भी कृष्ण की ही है। थैंक यू, ये बहुत एक ये समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना, कोई कमेंट या प्रश्न? ओके, शीला बहुबाद की।